hello everyone canada international school washim welcomes you all subscribe our channel right now and press the bell icon for more videos hello students today we are going to discuss the grammar section of standard 1 lesson number 0 and the topic of topic name is vowels and the consonants vowels and consonants so let us read the following letters aloud

सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड दीज लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेट्स तो जो पाँच लेटर्स हैं हमारे ए ई आई ओ यू उन्हें बोलते हैं वॉवल्स एंड द लेटर्स अदर देन वॉवल्स आर कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट्स। सो स्टूडेंट्स How many vowels are there? The vowels are आर a, e, i, o, u. And how many consonants then? हमारे लेटर्स कितने होते हैं 26. तो 26 में से फाइव लेटर्स गए कितने रहेंगे 21. तो फाइव वॉवल्स होते हैं एंड बचे हुए 21 होते हैं कॉन्सोनेट्स ओके वॉवल्स आर स्पेशल लेटर्स बिकॉज ऑफ़ द साउंड दे मेक वॉवल्स क्या होते हैं स्पेशल लेटर्स होते हैं स्पेशल होते हैं क्योंकि उनका साउंड वैसा होता है ईच ऑफ़ द वॉव हैज़ मोर देन वन साउंड हर एक वॉवल का एक से ज्यादा साउंड होता है कैसे लेट इस प्रैक्टिस से इंग द साउंड ऑफ वॉवल्स नीचे आपको एक टेबल दिया है उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि वॉवल्स का यूज़ करके लिखे हैं, ठीक है बट हर एक वर्ड का जो प्रोनंसिएशन है साउंड है वो अलग आता है इसीलिए बोला है कि वॉवल्स आर स्पेशल लेटर्स बिकॉज ऑफ द साउंड दे मेक तो चलो रीड करते हैं रीड दीज वर्ड्स रैट, आर ए टी रैट रेट आर ए टी ई रेट कैन सी ए एन कैन इन वर्ड्स में आपको कौन सा वोवेल कॉमन दिख रहा है ओके? बट okay? इनका सबका साउंड अलग अलग आ रहा है केन देन टी ए पी टैप एंड टी ए पे पी ई टेप देखो इनका साउंड फिर से रिवाइज करते हैं रैट रेट कैन केन टैप एंड टेप हर एक का साउंड अलग है नाउ सेकेंड रो विन यहाँ कौन सा वॉवल यूज़ किया है आई ओके okay? इस वर्ड में हमने वॉवल यूज़ किया है आई सो विन वाइन डब्ल्यू आई एन ई डी आई एन डिन डी आई एन ई डाइन आर आई पी रिप एंड आर आई पी ई राइप हर एक का साउंड डिफरेंट आ रहा है देन नेक्स्ट वॉवेल इज यू सो हियर सी यू टी कट इसमें कौन सा वॉवल आया है यू सी यू टी ई क्यूट सी यू बी कब सी यू बी ई क्यूब टी यू बी टब एंड टी यू बीई ट्यूब सिमिलरली जैसे ऊपर के वर्ड्स थे वैसे ही इन सारे वर्ड्स का भी साउंड प्रोनाउंसिएशन अलग सुनाई दे रहा है ठीक है नेक्स्ट वन होप एच ओ पी हॉप इसमें कौन सा वोवेल है ओ देन एच ओ पी ई होप इसमें भी ओ आर ओ बी रॉब एंड आर ओ बी ई रोब नेक्स्ट एन ओ डी न ओ डी ई नोड तो इन इस टेबल में जितने भी वर्ड्स दिए हैं हर एक वर्ड का साउंड अलग आता है इसीलिए ऊपर दिए लाइन में बोला गया था कि वॉवल्स आर स्पेशल लेटर्स बिकॉज ऑफ द साउंड दे मेक एंड ईच ऑफ़ द वॉव हैज़ मोर देन वन साउंड हर एक वॉवल का एक से ज़्यादा अलग अलग साउंड आता है सो ले मूव ऑन अब हमने वॉवल्स पढ़े हाउ मेनी वॉवल्स आर देर देर आर फाइव वॉवल्स आर दे ए ई आई ओ एंड यू ओके सो आपको नीचे जो लेटर्स दिए हैं उनमें से सिर्फ वॉवल्स को सर्कल करना है सो फर्स्ट लेटर इज ए ए इज अ वॉवल यस बी नो सी डी ई इज़ वॉवल बिकज़ ए ई आई ओ यू आर द वॉवल्स नैक्स्ट वन एफ है क्या नो जी नो एच नो आई वॉवल है नैक्सट जे के एल एम एन ओ ओ इज़ द वॉवल एंड पी क्यू आर एस टी then u u is also vowel v w x y z in my se vowel nahi hai so which are the vowels in these letters a e i o and u now next question color the shapes with vowels in red and the shapes with consonants green अब इन शेप्स में जो आपको वॉवल नज़र आ रहे हैं उनको आपको रेड कलर में करना है तो मैं जिस पे सर्कल कर रही हूँ जिस वॉवल पे, उसको आप रेड करोगे और जो बचे हुए शेप्स हैं, उनको आप ग्रीन कलर करोगे फर्स्ट वन है बी बी इज ए वॉवल नो ई वॉवल है येस yes, तो ई e को आप रेड कलर करोगे एम इज़ नॉट द वॉवल ए वॉवल है येस सो ए इस शेप को आप रेड कलर करोगे इज़ नॉट वॉवल डू इज नॉट वॉवल पी बी वॉवल नहीं है के है क्या नो देन आस आई इज व एल नो बट ओ वल है येस नाउ जी नो जेड नहीं है एफ बी नहीं है लास्ट वन यू सो यू इज वॉवल तो जिन शेप्स को हमने सर्कल किया है लेटर्स को उन शेप्स को आपको रेड कलर करना है और जितने भी बचे हुए शेप्स हैं उन्हें आप ग्रीन कलर करोगे ओके नीचे भी कुछ है लेटर्स सी डी एच जे एन क्यू वी आर एक्स एस बट इसमें से कोई भी वॉवल नहीं है नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन लुक एट दिस पिक्चर

उनके गले में स्टेटिस्कोप भी है और हाथ में देखो एक एनिमल है तो ये किसका डॉक्टर होगा एनिमल्स का सो so, एनिमल्स के डॉक्टर को बोलते हैं वी ई टी वेट तो यहाँ हमने कौन सा वर्ड यूज किया सॉरी यूज़ किया ई नाउ लुक एट दिस दिस इज कब लायन के बेबी लायनस के बेबी को बोलते हैं कब सो सी यू बी कब यह हमने यूज़ किया ट दिस पिक्चर दिस इज टॉप आप इसको सर्कल घुमाते हो राउंड सो दिस इज टॉप तो टी ओ पी टॉप यहाँ कौन सा वॉवल यूज होगा पी सॉरी ओ दिस इज पिन सो पी आई एन पिन ये क्या है दिस इज दिक्चर ऑफ हैन सो वी विल यूज व

now look at this Ye kya hai ek net hai so we will use vowel e n e t and this is the picture of cat so c a t cat now let's move to the next question question is let us recall the postman has to deliver these words according to the letters sorry first letters ये जो पिक्चर में पोस्टमैन दिख रहे हैं इन्हें क्या करना है लेटर्स फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग डिलीवर करने हैं ठीक है लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड आपको एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं मतलब देखो लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ग्रीन बॉक्स एंड राइट देम नियर द करेक्ट बॉक्स आपको दो पोस्ट बॉक्स दिए हैं, एक पोस्ट बॉक्स है वॉवल्स का और एक है कॉन्सोनेट का पोस्ट बॉक्स तो आपको ग्रीन बॉक्स में से वर्ड्स चूज करके एक एक पोस्ट बॉक्स के लाइन में लिखना है ठीक है तो वो कैसे लिखो कि आप उस वर्ड के फर्स्ट लेटर को देख के नाउ फर्स्ट वर्ड इज अम्ब्रेला सो लुक एट द फर्स्ट लेटर वॉट इज़ द फर्स्ट लेटर इन दिस वर्ड दैट इज़ यू यू इज अर वॉवल यस

ओके, नेक्स्ट वर्ड है पॉट पी ओ टी पॉट पॉट का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है पी सो विल राइट पी ओ टी पॉट नेक्स्ट वन एंजल ओके एन जी ई एल यहाँ देखो फर्स्ट लेटर क्या है ए है इट इज़ अ वॉवल सो राइट

कॉन्सोनेंट है सो वी विल राइट डी ओ जी डॉग इन कॉन्सोनेंट पोस्ट बॉक्स नेक्स्ट है फिश एफ आई एस एच यहाँ फिश क्या है सॉरी एफ क्या है कॉन्सोनेंट सो एफ आई एस एच फिश नेक्स्ट वर्ड इज ईगल हियर फर्स्ट लेटर इज ई and e is a vowel so e a g l e eagle next word net the first letter is n so n is consonant n e t net mule m u l e here also first letter is m that is consonant. So, write it in consonant box, post box. Oval, O-V-A-L. Oval is, sorry, O is vowel. Write vowel in vowel post box. And last word is lamb. So, here L is consonant. So, write it down in consonant post box. सो दीज आर द वॉल्स एंड कॉन्सोनेट पोस्ट बॉक्स सो नाव इट विल हेल्प द पोस्टमैन टू डिलीवर द लेटर्स प्रॉपरली लेट्स मूव कंप्लीट द वर्ड्स विथ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट टू हेल्प द बेबी बनी फिल द बास्केट यहाँ देखो बेबी बनी दिख रहा है आपको उसे नीचे एक बास्केट दी होगी उसे फिल करना है कैसे फिल करोगे आपको ये जो पिक्चर्स और वर्ड्स दिए हैं उनको फिल करना है और उस बेबी को बास्केट तक पहुंचाना है सो फर्स्ट पिक्चर देखो वॉट इज़ दिस पिक्चर अबाउट दिस पिक्चर इज ऑफ पिन पिन दिख रहा है आपको सो पी आई एन पिन एंड इट्स कॉन्सोनेंट नेक्स्ट ये देखो बॉटल है एक और उस पर लिखा भी है जे एम सो द बॉटल इज ऑफ जाम तो यहाँ लिखोगे आप जे एम ये है कॉन्सोनेंट नेक्स्ट पिक्चर ये क्या है ये बग है ओके सो बी यू जी बग जी भी क्या है कॉन्सोनेंट है नाउ लुक एट दिस पिक्चर हु इज दिस दिस इज एन एल्फ ओके तो एल्फ स्टार्ट होता है ई e से योर ई इज एज अ वॉवल ओके नाव दिस पिक्चरी इज एप्पल एप्पल स्टार्ट्स विद ए सो ए इज अ वॉवल व्ट इज दिस नंबर दिस इज टेन सो टी ई एन टेन इट इज़ अ कॉन्सोनेंट हु इज दिस ये एक इंसान आदमी है तो उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मैन सो एम ए एन मैन एम इज कॉन्सोनेंट वॉट इज दिस ये एक पॉट है जिसमें आप प्लांटिंग करते हो सो पी ओ टी पॉट पी इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट पिक्चर दिस इज ओ एक्स ऑक्स ओ इज वोविल नाउ द बनी विल रीच टू दिस बास्केट टू फिल इट अप सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्रॉसवर्ड पजल नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स ये आपको नीचे एक क्रॉसवर्ड पजल दिया है और उसके साम हर एक के सामने आपको एक पिक्चर दिया है तो वो पिक्चर देख के आपको वो पज़ल कंप्लीट करना है फर्स्ट वन ये पिक्चर है क्वीन का ओके सो हॉरिजोंटली क्यू यू ई एन क्यू डबल ई एन क्वीन यहाँ देखो सेकेंड पिक्चर है अम्ब्रेला सो यू एम बी आर ई डबल एल एंड ए सो ये पिक्चर था अमरेला का ओके यू एम बी आर ई डबल एल ए ना लुक एट दिस पिक्चर ये रैबिट है और रेबिट को ही हम और क्या बोलते हैं हेयर सो एच ए आर ई हेयर नाव फोर्थ वन दिस इज द पिक्चर ऑफ इग्लू ओके सो आई जी एल डबल ओ इग्लू नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर दिस इज द पिक्चर ऑफ जेब्रा तो जेब्रा का स्पेलिंग क्या होता है जेड ई बी आर एंड एके ये है जेब्रा नाउ दिस पिक्चर वॉट इज दिस एंड ऑक्टोपस दो ऑक्टोपस स्टार्ट विथ Vowel O, O, C, T, O, P, U, and S. So this is octopus. Now look at this picture. What is this? An elephant. So elephant starts with vowel E. E, L, E, P, H, A, and T. Elephant. Okay. Now

7. So, S, E, V, E, and N. 7. S, S is consonant. Now, the picture is of AND. Okay. A, N, T. AND. A is vowel. So, students, this was the crossword puzzle and we have solved it now. Next. क्लाइम द वर्ड लैडर बाय मेकिंग न्यू वर्ड्स एट एवरी स्टेप हर एक स्टेप पे आपको एक पिक्चर दिया है और उसके सामने ब्लैंक दी है आपको उसे कंप्लीट करके लैडर क्लाइम करनी है नाउ वी हैव टू क्लाइम द लैडर सो हम लोग स्टार्ट एंड से स्टार्ट करने वाले लास्ट वन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ डैन सो डी ई एन डेन Look at this number. What is this? Number 10. So T E N starts with consonant T. The picture is of hen. So we will write H. H E N hen. It is consonant. Picture of pen. P E N pen. P, -P is consonant. This is the picture of pan. So P A N. Pan. A is vowel. Now look at this picture. This is the picture of can. Okay. So C A N. Can. C is consonant. Now this picture is of cap. C A P. Cap. P is. Again, consonant. This is cat. C A T, cat. T is consonant. Look at this. This is the cot. So, C O T, cot. O is vowel. And this picture is of pot. So, you will write P. P O T, pot. So, P is consonant. नाउ स्टूडेंट्स अगेन देर इज फिफ्थ क्वेश्चन आपको फिर से लैडर दिया है यू हैव टू क्लाइम लैडर एंड कंप्लीट द वर्ड्स आपको कुछ क्लूज भी दिए हैं सो अगेन वी हैव टू क्लाइम द लैडर विद द गिवन क्लूज एंड वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स देखो लास्ट वर्ड आपको दिया है एम ई -E, मी लेटर के एंड में और यहाँ आपको सेकेंड मस्ट सेकेंड इस पे क्लू दिया है एड वन लेटर आपको क्या करना है नीचे एम ई में एक लेटर एड करना है एंड मेक अ प्लूरल ऑफ मैन एक वर्ड एड करके आपको मैन का प्लूरल फॉर्म बनाना है सो so मैन का प्लूरल होता है मैन और आपको एक वर्ड एड कौन सा करना पड़ेगा दैट इज एन तो एम ई -E हम एज इट इज लिखने वाले हैं

देखो यहाँ आपको क्लू दिया है वॉट इज दिस नंबर अबाउट दिस इज द टेन नंबर टेन तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा एम बिकॉज द स्पेलिंग इज टी ई एन टेन ओके तो टेन का स्पेलिंग है टी ई एन टेन नाउ नेक्स्ट क्लू एड वन लेटर एंड मेक आपको ये क्लू दिया है कि अभी जो आपने वर्ड बनाया था उसमें एक लेटर और ऐड करके इस पिक्चर का स्पेलिंग लिखना है क्या है वो पिक्चर दैट इज टेंट तो आप टी ई एन में क्या वर्ड यू ऐड करोगे लेटर ऐड करोगे कॉन्सोनेंट टी सो टी ई एन टी टेंट नाउ रिमूव वन लेटर चेंज द वॉवल एंड मेक आपको ये पिक्चर दिख रहा है एक लेटर आपको इसमें से रिमूव करना है एंड नेक्स्ट पिक्चर का नेम बताना है तो आप कौनसा लेटर रिमूव करोगे जिसके जगह आपको वॉवेल रखना है ओके सो so इसमें से हम रिमूव करेंगे ये लेटर टी और एक वोवेल को चेंज करना है मतलब ये बनेगा टी आई एन ई वोवेल की जगह हमने यूज़ किया वॉवेल आई तो ये बन गया टीन नाउ चेंज वन लेटर एंड मेक ये क्या है पिन है तो आपको इसमें से एक लेटर चेंज करना है और पिन बनाना है तो आप यूज़ करोगे टी के जगह पर पी आई एंड एन ओके नेक्स्ट क्लू एड वन लेटर टू मेक अ कलर इसमें एक लेटर एड करो ताकि वो कलर का नाम बने सो द लेटर विल बी पी आई एन आपको एज इट इज़ लिखना है एंड द लेटर विल बी के दैट इज कॉन्सोनेंट सो कलर इज पिंक नाउ चेंज वन लेटर एंड मेक आपको पिंक में एक लेटर चेंज करना है और ये ये क्या है वो लिखना है तो हमने लास्ट लिखा था पिंक अब पिंक में से पी हम निकालेंगे डब्ल्यू एड करेंगे एंड द वर्ड विल बी डब्ल्यू आई एन के विंक ओके नेक्स्ट क्लू रिमूव वन लेटर आपको एक लेटर रिमूव करना है एंड मेक ये देखो क्या है वो आदमी वो लड़का जीत गया है तो जीतने को हम क्या बोलते हैं विन तो विंक में से आप के कॉन्सोनेंट रिमूव करोगे एंड द वर्ड विल बी डब्ल्यू आई एन विन एंड लास्ट वर्ड एड वन लेटर सो वर्ड विल बी टी डब्ल्यू आई एन ट्विन सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर फाइव okay students i hope you have understand the concept of vowel and consonants so revise this portion again and practice it properly thank you